सीताफल एक ऐसा फल है जिस पर किसी रोग का संक्रमण नहीं होता। इस फल को शरीफा के नाम से भी जाना जाता है। इस फल के बारे में कहा जाता है कि वन में माता सीता अपनी भूख को मिटाने के लिए इस फल को खाती थी, जिसके बाद से इस फल को सीताफल का नाम दिया गया। गोल आकार का ये फल दूर से ही देखने में अमरूद की तरह नजर आता है। ये स्वाद में मीठा होता है और वहीं इसे केले और आम की तरह से पकाया जाता है। ये बाहर से सख्त और अंदर से नरम होता है। इसका गूदा सफ़ेद रंग का और मलाईदार होता है। पौष्टिक से भरपूर सीताफल में विटामिन सी, विटामिन B1 और विटामिन B2 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीताफल के फायदों के बारे में, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, जख्म। फोड़े फुंसियों के पकने पर सीताफल के वृक्ष की छाल को घिसकर लगाने से जीवाणुओं के संक्रमण की आशंका दूर हो जाती है। नंबर 2, सीताफल के बीजों को बकरी के दूध के साथ पीसकर सिर पर लेप लगाने से गंजेपन से छुटकारा मिल जाता है और बाल तेजी से उगते हैं। नंबर 3, सीताफल एक ऐसा फल है जिसके सेवन से बालों को अधिक पौष्टिकता मिलती है, जिसके कारण बाल अधिक समय तक काले बने रहते हैं। नंबर 4, सीताफल में घुलनशील रेशे होते हैं जो आपके पेट की पाचन क्रिया को सही रखते हैं, यहाँ तक कि ये डायरिया जैसी बीमारी से भी आपको लाभ देता है। नंबर 5, जिन लोगों को बेचैनी और घबराहट होती है या फिर उनका दिल कमजोर है, उन्हें सीताफल का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी हर जानकारी को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्यूरेन को, और हर अपडेट को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह है क्यूरेन न्यूज़ रूम रिपोर्ट।